विश्व योग दिवस के मौके पर सभी लोग योगा करने में जुटे हुए हैं। तो वहीं भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने भी अपने योगा ट्रेनर कोमल सेमवाल के साथ मिलकर योगा किया। मसूरी में विश्व योग दिवस पर विभिन्न जगहों पर योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा, पांचवी शताब्दी में पतंजलि ने शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए योग विधा करना आरंभ किया था। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, इसलिए सभी विद्यार्थी जीवन में योग के महत्व को जरूर समझें। फिट इंडिया का संदेश भी योगा के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को दिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको रिक्वेस्ट भी करूंगी कि केवल एक दिन योगा ना करें, योगा को एक लाइफस्टाइल के रूप में, एक मैं तो कहूंगी एक धर्म के रूप में अपनाएं कि अपने शरीर को स्वस्थ और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए इसका उपयोग करें। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।